लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला भी अब तेज होता जा रहा है। इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सनातन वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संविधान बनाने वाली सभा में 80-90% सनातनी थे। पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। कभी भाजपा के सांसद रहे कांग्रेस के उत्तर पश्चिम लोकसभा से प्रत्याशी उदित राज ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी केवल मुद्दों को भटकाने पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अक्सर महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर नहीं बल्कि सनातन और राम मंदिर मुद्दों पर बोलते हैं। उदित राज ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों से वो संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेसी थे, सनातनी भी थे, कांग्रेसी भी थे। प्रधानमंत्री जी को कोई विषय नहीं मिलता है क्या? युवा इस देश का पीड़ित है। 83% एजुकेटेड युवा जॉबलेस है। उनके दिमाग में या उनके मन में उनका दर्द और पीड़ा नहीं समझ में आती। उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि संविधान खत्म करने का, तो कहते हैं कि गर्दन काटो और बाल से मोहब्बत करो, तो संविधान खत्म कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। अपने लोगों को रोके ना। आज इस देश में विपक्ष की आवाज़ दबा दी गई, ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 ये जो फंडामेंटल राइट, वो संविधान का तो कत्ल कर दिया है इन्होंने। तो बनाया तो बहुत अच्छे लोगों ने, उनसे सीखना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। तो प्रधानमंत्री जी खुद जिन्होंने संविधान बनाया उनसे सीखें तो ज़्यादा अच्छा है। भाषण नहीं देना चाहिए, सीखना चाहिए, यही मैं कहूँगा। महंगाई के बारे में बात करें, किसानों की बात करें, देश के लोगों के दुख और तकलीफ की बात करें जिसका वो जिक्र तक नहीं करते। कभी मंदिर की बात करें, कभी सनातन की बात करते हैं, कभी उत्तर भारत की, कभी शहजादा कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, लेकिन काम की बात प्रधानमंत्री जी एक बार भी नहीं बोलते और सब झूठ बोलते हैं।